कैलाशपुर में एक युवक था जिसका नाम था रामू। वह मिट्टी के बर्तने बनाता था, उसी से उसका घर संसार चलता था और खाने पीने की कोई अभाव नहीं था। उनका दिन ठीक ही ठाक बीतता था। एक दिन सुबह सुबह माँ बुला के बोली, रामू तुम्हें एक बार पास के गांव में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ वहाँ जाने से पहले तुम्हें शाम को साथ में ले जाना होगा, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ेगा, साथ में रहोगे तो अच्छा होगा। माँ की बात सुनकर रामू जल्द से जल्द तैयार हो गया, क्योंकि साथ में उसके गांव का दोस्त था। ओए सामू, तैयार हुआ कि नहीं? कितना समय लगेगा? हाँ हाँ चल चल, जंगल के रास्ते से जाना है ना। यही कह के वो दोनों निकल पड़े गांव के रास्ते पर। खेत नदी सारा पार हो गया और वो दोनों पहुंच गए जंगलों के रास्ते। बात करते करते दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाते जाते अचानक शाम चौंक गया और जाके डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रामू उसे देखकर कुछ सोचता रह गया, न जाने वो क्या सोच रहा था। हाँ? अचानक इसे क्या हो गया, छिप गया, जरूर कुछ देखा है वो। ये सोचते सोचते अचानक रामू सामने देखा। देखा सामने से एक भालू आ रहा था, मोटा लंबा चौड़ा। रामू उसको देखते ही कांपने लगा, उसका सर चकराने लगा। तभी वो मन ही मन में सोचा, अच्छा अब मैं समझा वो क्यों भागा, अभी तो मेरे पास भागने का समय नहीं है। रामू चाचा अपना प्राण बचा। ये कह के रामू मिट्टी में सो गया। अपनी आंखें सांसें दोनों बंद करके ना हिले ना डुले, चुपचाप मरे जैसा सो गया। हाथ पैर सीधा करके भालू आके उसे सूंघा, उसके चारों तरफ घूमा और उसके सांसों को सुना, देखा, अपने मुंह को उसके कानों के पास ले जाके ना जाने क्या सोचने लगा। और शायद ये सोचा कि रामू मरा हुआ है। उसे मरा हुआ सोच के वहाँ से भालू चल पड़ा फिर से जंगलों के तरफ। तभी रामू अपनी एक आँख खोल के सोचा कि हाँ हाँ लगता है भालू चला गया, उठकर देखता हूँ भालू है कि चला गया। तभी रामू अपने दोनों आँख खोला और डर के मारे चारों तरफ देखा, सोचा भालू चला गया, न जाने क्या फिर मन में बड़बड़ाया। हे भगवान मेरा जान बच गया, अब यहाँ से भागता हूँ। यही कह के रामू उठ पड़ा और सामू पेड़ से नीचे उतरा। अच्छा हुआ भालू चला गया, जान तो बच गया। उसके बाद सामू रामू के पास आके पूछा मजाक करके, भालू तुझे क्या बोल रहा था, कब से तेरे कान में? सुन के सामू की बात, अपने मतलबी दोस्त की तरफ घिन्ना से वो देखना भी पसंद नहीं किया, इसीलिए मुंह घुमा के वो जवाब दिया, भालू मुझे यह बोल के गया, ये जिंदगी भर तुम याद रखना, जो दोस्त तुम्हारे तकलीफ में साथ ना दे वो दोस्त तुम्हारा दोस्त होने के लायक नहीं, याद रखना। यही कह के रामू अपना मुंह घुमा के चल पड़ता है अकेले ही जंगलों के तरफ।